हमारे बिहार के नेता दोषी है बिहार के बर्बादी के। एक बार आप लोग जो है बिहार के मजदूरों के लिए आवाज जरूर उठाइए। अब ये लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। फर्जी वीडियो केस मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत केस दर्ज किया है। बिहार के बाद तमिलनाडु पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। मनीष कश्यप को फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में तमिलनाडु पुलिस उसे चेन्नई लेकर गई थी, जहां उसके ऊपर NSA लगा दिया गया है। बिहार के रहने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप को फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो शेयर किए गए थे। तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों पर हमले के नकली वीडियो प्रसारित करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब NSA की धाराएं लगा दी गई हैं। बारिश पंजाब दे के मुखिया और खरीसारी समर्थक अमृतपाल सिंह पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाया गया है। इसे बेहद सख्त कानून माना जाता है। इसके तहत किसी भी संदिग्ध को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। मनीष कश्यप पर यह कार्रवाई मुदैर के एक स्थानीय अदालत की ओर से 19 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के एक दिन बाद आई है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती। हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक भी किया जा सकता है। साथ ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है। राज्य सरकार को ये बताना होता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। इस कानून के तहत सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज़्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था ये कानून। ये एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि किसी को देश हित में गिरफ्तार किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो ये एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।